हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस सपोजिटरीज पार्ट थर्ड। वी डिस्कस टाइप ऑफ सपोजिटरीज बेस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो शेप है वो बेसिकली बेस के कारण आता है, विद मेडिकामेंट, यानी कि जो मेडिकामेंट है उसको डालने के लिए एक पर्टिकुलर बेस यूज किया जाता है जो कि सपोजिटरीज के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो सपोजिटरीज बेस है वो बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो सपोजिटरीज है उसको एक शेप मिल सके, फर्मनेस मिल सके ड्यूरिंग स्टोरेज, और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए भी होती हैं रिस्पॉन्सिबल, ताकि जैसे ही अपने बॉडी में जाए तो वो मेल्ट हो जाए, डिजोल्व हो जाए उन बॉडी कैविटीज। तो जो सपोजिटरीज बेस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए, लाइक उसका शेप, उसकी फर्मनेस और उसका जो डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी है इन कैविटीज वो सारी। तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सपोजिटरीज बेस क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं। सो इट शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज पे वो स्टेबल होनी चाहिए, मेल्ट नहीं होनी चाहिए। दे शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर और डिजोल्व और डिस्पर्स इन बॉडी कैविटीज, यानी कि अगर आउटर टेम्परेचर पे उसे रख रखा है या स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन में रख रखा है तो वहाँ वैसी की वैसी रहे, बट जैसे ही उन्हें बॉडी टेम्परेचर पर डाला जाए, जैसे रेक्टम पार्ट पे सपोजिटरी डाली जा रही है, तो उस बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जानी चाहिए, उसके साथ जो ड्रग है वो भी है जो डिस्पर्स होनी चाहिए या फिर रिलीज हो जानी चाहिए। इट शुड बी रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडिली, यानी कि जैसे ही जो सपोजिटरीज है अपनी कैविटी के अंदर जाती ही है, वैसे ही जैसे वो डिजोल्व होती है अपना मेडिकामेंट भी जो है, ड्रग भी है, वो साथ ही रिलीज कर देना शुरू करना चाहिए। इट शुड कीप इट सेफ व्हेन बीइंग हैंडल्ड, साथ ही साथ जो सपोजिटरीज हैं जब अपन उसे हैंडल कर रहे हैं तो उसका जो शेप है, जिस शेप में वो बनाई गई है, चाहे वो ओवल शेप हो चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप हो, वैसे की वैसी शेप के अंदर रिटेन रहना चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी अपन बेस यूज कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए और नॉन इरिटेंट होने चाहिए टू द मेम्ब्रेन, टू द स्किन। इट शुड बी स्टेबल इफ फिटेड अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर उस सपोजिटरीज को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा अगर अपन हीट कर दें तो भी वो जो सपोजिटरीज है वो स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि सपोज उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 37 डिग्री है, बट नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कभी कभार 45 डिग्री भी चला जाता है, तो उस टाइम पर वो ना अनस्टेबल ना हो, ड्रग के साथ कोई रिएक्शन क्रिएट ना करें। इट शुड बी इनर्ट, इट शुड बी कंपैटिबल विथ एनी एडेड मेडिकामेंट, यानी कि जो भी मेडिकामेंट या ड्रग यूज की जा रही है उस बेस के साथ, उसके साथ वो कंपैटिबल हो, कोई रिएक्शन क्रिएट ना करें। इट शुड बी इजीली मोल्डेड एंड शुड नॉट अडहेयर टू द मोल्ड, साथ ही साथ जो भी सपोजिटरीज बेस अपन यूज कर रहे हैं जिसको अपन किसी मोल्ड में डाल के एक शेप देंगे, उस मोल्ड के साथ वो स्टिक ना हो, अडहेयर ना हो। इट शुड बी इजिली मोल्डेड, आसानी से उसे शेप में कन्वर्ट किया जा सके। इट शुड बी मोल्डेड बाय पोरिंग और कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि वो आसानी से जो बेस है वो मोल्ड किया जा सके या तो पोर करके या फिर कोल्ड कंप्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरीज बेस, यानी कि जो सपोजिटरीज बेस है वो किस तरीके के होते हैं। तो बेसिकली जो सपोजिटरीज बेस है उन्हें दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है फैटी बेस, दूसरा है वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल बेसिस। फैटी बेसिस में भी दो तरीके से हैं, एक तो सिंथेटिक बेसिस हैं और दूसरा जो नेचुरल्स हैं, लाइक थियोब्रोमा ऑयल जिसे कोका बटर भी कहते हैं, इमल्सीफाइड थियोब्रोमा ऑयल एंड हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स। फिर है सिंथेटिक फैट्स लाइक वेट्सपूल, मासा एस्ट्रियम एंड मासा ओपोल। और वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल बेस की अगर अपन बात करें, लाइक ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस, मैक्रोजेल्स एंड सोप ग्लिस्ट्रीन। बेसिकली जो ये बेसिस यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग कौन सी है और दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा रहेगा, यानी कि कौन सी कैविटी में जो सपोज चीज है वो दी जा रही है, उस हिसाब से जो बेस है वो डिसाइड किए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फैटी बेसिस की। दे मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, जो फैटी बेसिस होते हैं लाइक वैक्सेस, मोस्टली इनका जो रहता है ये जो बॉडी टेम्परेचर है उसके हिसाब से ही मेल्ट होते हैं, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 37 डिग्री के आसपास ही होता है। सबसे पहले अगर अपन एग्जांपल की बात करें जो थ्रियोब्रोमा ऑयल है, तो थ्रियोब्रोमा ऑयल इज येलोइश वाइट सॉलिड ऑब्टेन फ्रॉम क्रश्ड एंड रोस्टेड सीड ऑफ थ्रियोब्रोमा कोका, यानी कि एक प्लांट है जिसके सीड से, लाइक थ्रियोब्रोमा कोका से मिलता है, उसे क्रश करने पर एक येलोइश वाइट कलर का एक सॉलिड रहता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रहता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लगभग जो बॉडी टेम्परेचर है उसके आसपास। मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल एस्टेट ऑफ स्टरिक एसिड, ऑलिक, पाल्मिटिक एंड अदर फैटी एसिड्स। बेसिकली जो थियोब्रोमा ऑयल है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल एस्टेट ऑफ स्टरिक एसिड, ऑलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड अदर फैटी एसिड्स। इट इज रेडली लिक्विफाई ऑन वार्मिंग एंड क्विकली सेटल ऑन कूलिंग, यानी कि जो थियोब्रोमा है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जैसे आप इन्हें वार्म करेंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगी, और जैसे आप इन्हें ठंडा करने के लिए रखेंगे तुरंत सॉलिड भी हो जाती है। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ थियोब्रोमा की, क्योंकि अपन ने बहुत सारे बेस पढ़ने हैं, तो सबसे पहले अपन जो सबसे पहले जो बेस यूज करते थे उसके बारे में पढ़ा, अब उसके क्या डिसएडवांटेजेस थे इस चक्कर में अपन ने दूसरे बेसिस को एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है थियोब्रोमा ऑयल का वो है पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि व्हेन इट इज मेल्टेड एंड कूल्ड इट गेट्स सॉलिडिफाइड इनटू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि जैसे अपने थियोब्रोमा की पहले प्रॉपर्टी बताई कि जैसे ही आप इसे मेल्ट करोगे आसानी से मेल्ट हो जाता है और थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर देने पे तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है। बट वापस जब ये मेल्ट होकर सॉलिडिफाई होगा तो इसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म क्रिएट कर लेंगे जो कि मे बी इरिटेशन दे सकता है या फिर जो यूनिफॉर्मिटी है, लुक है, अपीरियंस है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि पॉलीमॉर्फ एक से ज्यादा स्टेज में वो अपने को दिख सकता है। सेकेंड इज अडेरेंस टू मोल्ड, यानी कि जो मोल्ड है जिसमें सपोज चीज को शेप दिया जा रहा है उससे वो चिपक सकता है। दूसरा अपने सबसे पहले पढ़ा है कि जो एडवांटेजेस हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सपोज चीज के कि भी उसको अडहेर नहीं होना है मोल्ड से वो चीज़। तो अगर अपन थियोब्रोमा ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ये मोल्ड से अडहेर होगा, तो क्वांटिटी है जो लूज करेगा, साथ ही साथ जो अपीयरेंस है उसकी अपीलिंग नहीं आएगी। उसके प्रोटेक्शन के लिए अपने को लुब्रिकेशन भी यूज़ करना पड़ेगा। फिर सॉफ्टनिंग पॉइंट टू लो फॉर हॉट क्लाइमेट्स, साथ ही साथ इसका जो अपन ने टेम्परेचर देखा, मेल्टिंग पॉइंट देखा, वो देखा 30 to 36 degrees centigrade, यानी कि अकॉर्डिंग टू हॉट क्लाइमेट्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है। तो अगर उन्हें वहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज में नहीं रखा गया तो ये मेल्ट भी हो सकती हैं। फोर्थ इज मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस बाय सॉल्यूबल इन्ग्रीडियंट्स, बट जैसे कि जो ये मेल्टिंग पॉइंट है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो रही है उसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग एडिंग सॉल्यूबल इन्ग्रीडियंट्स, यानी अगर क्लोरोहाइड्रेट, लैक्टिक एसिड और बीज वैसे अगर अपन थियोब्रोमा ऑयल में ऐड कर दें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी अपन बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ इज लीकेज फ्रॉम बॉडी, यानी कि जैसे ही इसे बॉडी में इंसल्ट करते हैं तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये तुरंत लिक्विफाई होगा, तो बॉडी से लीकेज करने की भी इसकी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जो पेशेंट है उसको एक डिसकम्फर्ट फील होगा। फिर बात करते हैं कॉस्टली, क्योंकि पर्टिकुलर नेचुरल प्लांट सोर्स से मिल रहा है तो इसका जो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ ही साथ इसके अंदर इतने मॉडिफिकेशन भी करने पड़ रहे हैं इस चक्कर में इसको इसकी जो रेट है वो बढ़ जाती है। फिर है पुअर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, लास्ट इसका पॉइंट ये रहेगा कि इसका जो डिसएडवांटेज है वो है पुअर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी कि जो वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं कर पाता, यानी कि जैसे वो बॉडी कैविटीज में जाएगा तो रिलीज तो होगा बट पेनिट्रेशन में उसमें प्रॉब्लम रहेगी। फिर बात करते हैं इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, दे यूज व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि जैसे अपने पहले बताया कि वो जो एक्वा सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल बनाने का रीजन ये था ताकि जो एक्वा सॉल्यूशन ज्यादा यूज किया जा रहा है वहां पे इन सपोजिटरीज बेस को यूज किया जा सके। बेसिकली ये मिक्सचर रहता है 5% ग्लिसराइल मोनोस्ट्रेट का, 10% लेनेट वैक्स का, 2 to 3% सिटाइल अल्कोहल का, 4% बीज वैक्स एंड 12% स्पर्मेसिटी, यानी कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उसको वेरिएट करने के लिए अपन कुछ इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, उसकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी या फिर ऑयल सॉल्युबिलिटी है उसको चेंज करने के हिसाब से इसके अंदर जो मेडिकामेंट्स है या फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। फिर है हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल यानी कि बेसिकली जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं जैसे कि अराचिस ऑयल्स हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, फिर पाम ऑयल हो गया, ये सारे के सारे जो कि हाइड्रोजिनेशन से ऑप्टेन होते हैं, लाइक दे आर ऑप्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेरियस वेजिटेबल्स ऑयल्स लाइक अराचिस ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, लाइक मतलब नारियल का तेल या फिर मूंगफली का तेल। इट इज़ यूज बिकॉज बेसिकली जो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल है वो यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, नो लुब्रिकेशन नीडेड टू मोल्ड्स, गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ओवर हीटिंग डज नॉट इफेक्ट सॉलिडिफाइंग पॉइंट, यानी कि एक तो ये रेजिस्टेंस करता है ऑक्सीडेशन से, साथ ही साथ लुब्रिकेशन की नीड नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर ऑयल कंटेंट है तो वो स्टिक नहीं होगा मोल्ड से, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ अगर इसे ओवर हीट भी कर दें तो इसका जो सॉलिडिफाई पॉइंट है यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर डिसएडवांटेजेस, दे आर बिटल ऑफ रैपिड कूलिंग, 0.05% पॉलीसॉर्बेट 80 इज एडेड फॉर दिस, यानी कि जैसे रैपिड कूलिंग करेंगे तो ये बिटल हो जाएगा, टूटना शुरू कर देगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर 0.05% पॉलीसॉर्बेट 80 ऐड किया जाता है। फिर है नीड टू बी एड थिकनिंग एजेंट, क्योंकि ऑब्वियसली वेजिटेबल ऑयल है तो बहुत ही डाइल्यूटेड है, अपने को शेप में डालने के लिए इसके अंदर थिकनिंग एजेंट ऐड करने पड़ेंगे जैसे कि बेंटोनाइट या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट, तो एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। फिर बात करते हैं सिंथेटिक फैट्स की, दे मेड बाय हाइड्रोजिनेटिंग द फैटी एसिड्स एंड रीएस्ट्रीफाइंग द एसिड बाय हीटिंग एंड विद ग्लिस्ट्रॉल्स, यानी कि जो फैट्स हैं उसको अगर अपन हाइड्रोजिनेट करें और रीएस्ट्रीफाई करें विद एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रॉल तो सिंथेटिक फैट्स हैं जो बनते हैं। दे मेड टू ओवरकम डिसएडवांटेज ऑफ थियोब्रोमा ऑयल, यानी कि बेसिकली जो सिंथेटिक फैट्स हैं वो इसलिए बनाए गए ताकि जो नेचुरल फैट्स हैं जो अपन यूज़ करते हैं एज अ बेस लाइक थियोब्रोमा ऑयल उसके जो डिसएडवांटेजेस थे उसको ओवरकम करना, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉब्लम, लुब्रिकेशन वाली प्रॉब्लम, ये सारी।
फर्स्ट पाम कर्नल ऑयल ऑप्टेन यूजिंग फ्रैक्शन एंड हाइड्रोजनेशन, यानी कि सबसे पहले जो पाम कर्नल ऑयल है वो ऑप्टेन किया गया था यूजिंग फ्रैक्शनेशन एंड हाइड्रोजनेशन एंड यूज एज अ सिंथेटिक फैट। सबसे पहले अपन बात करते हैं वाइट्स पोल की, विच इज ऑल्सो नोन एज इमहोसन। दिस कंसिस्ट ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड्स विथ वेरी फाइन परसेंट ऑफ पार्शियल एस्टर, यानी कि ये बेसिकली इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड रहता है, सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड्स रहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एस्टर रहेगा। अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट कम होगा तो ये वैक्सी फ्लेवर का होगा और ज़्यादा होगा तो ये सॉलिड अपने को दिखेगा। बेसिकली इसकी जो चेन लेंथ होती है वो होता है कार्बन 12 टू कार्बन 18 और इसके अंदर W45 वेड है जो कि यूज़ की जाती है। बेसिकली जो सिंथेटिक फैट है वो सारे के सारे सॉलिड नेचर के यूज़ किए जा रहे हैं ताकि जो सपोज इसका शेप है वो अपन दे सकें। फिर इसके साथ है जो नेचुरल वैक्स हैं या फिर वेजिटेबल्स ऑयल हैं उनको ऐड कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट ऑप्टेन करने के लिए। फिर है माजा एस्टेरियम, यानी कि दे आर मिक्सचर ऑफ लाइट राय एंड मोनोग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि ये जो मासा एस्ट्रियम्स हैं ये लाइट राय एंड मोनोग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मिक्सचर रहते हैं। इसके अंदर जो कार्बन रहता है वो रहता है कार्बन 11 टू कार्बन 17 और जो बेसिकली इनका जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है C11H23C00H2C17H35C00H। इसकी जो ग्रेड बी है वो यूज़ की जाती है एज अ सपोजिटरी बेस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिपस सॉलिडस। फिर है मासापोल, दे आर फॉर कोल्ड मोल्डिंग, यानी कि किसी की अपने को कोल्ड मोल्डिंग करनी है, सीधा का सीधा आपने सिस्टम को मिक्स किया और मोल्ड के अंदर फिल किया और बाहर निकाल लिया, तब अपन एज अ बेस मासापोल यूज करेंगे विच इज मेड अप ऑफ ग्लिस्टराइल एस्टर्स लॉरिक एसिड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिस्टराइल मोनोस्ट्रेट एडेड टू इम्प्रूव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी कि बेसिकली जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मासापोल बनाया गया एक तरीके से सिंथेटिक फैट। इसके अंदर ग्लिस्टराइल एस्टर्स होता है और उसके साथ ही स्मॉल अमाउंट के अंदर ग्लिस्टराइल मोनोस्ट्रेट भी ऐड किया जाता है। फिर है वाटर सॉल्यूबल एंड वाटर मिसिबल वेट्स, वाटर परमिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वाटर सॉल्यूबिलिटी को बढ़ाने के हिसाब से भी जो सपोजिटरी बेस है वो यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ किस पार्ट में आपको इंसर्ट करना है उसके हिसाब से भी, अपने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट सपोजिटरीज टाइप पड़े थे वहाँ पे अपने देखा था कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सपोजिटरीज वहाँ पे जो बेस है वो भी डिफरेंट यूज़ हो रहा है, यानी कि कहीं पे अपने को वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा चाहिए कहीं पे कम चाहिए। तो दे डिजॉल्व और डिस्पर्स इन रेक्टल सॉल्यूशन बेसिकली, यानी कि जो रेक्टल पार्ट है वहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस, बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिस्ट्रोल एंड वाटर मेड इनटू अ स्टिफ जेली बाय एडिंग जिलेटिन, यानी कि जो ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस है ये जिलेटिन एंड ग्लिस्ट्रोल का मिक्सचर है जिसके अंदर ग्लिस्ट्रोल के अंदर जैसे ही अपन जिलेटिन ऐड करते हैं तो एक जेलीनुमा संरचना बन जाती है। दे आर यूज टू मेक जेलीज एंड पेसारीज, जिलेटिन और ग्लिस्ट्रो बेस है जो कि जेलीज बनाने भी काम आता है, साथ ही साथ पेसारीज यानी कि यूरेथ्रल सपोजिटरीज अपन कह सकते हैं वो भी इसके थ्रू बनाई जाती हैं। बेसिकली जो कॉम्बिनेशन रहता है वो रहता है 14% वेट बाय वेट जिलेटिन प्लस 17% वेट बाय वेट ग्लिस्ट्रोल। दे आर कलरलेस और ट्रांसल्यूशेंट शीट्स, यानी कि जो ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेसिस हैं वो अपने को कलरलेस या फिर ट्रांसल्यूशेंट शीट्स के रूप में मिलती हैं। दे रिलीज स्लो लीज और प्रोलॉन्ग एक्शन, क्योंकि इसमें जिलेटिन है तो उस हिसाब से इसका जो रिलीज है वो भी स्लो रहता है, तो अपन जो सस्टेन मेडिकेशन हैं उसके हिसाब से भी जो ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेसिस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर बोरिक एसिड, क्लोरोहाइड्रेट, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड एंड आइडोफोम एंड ओपियम एक्सेक्ट्रा टाइप ऑफ सिस्टम्स, यानी कि जो मेडिकामेंट्स हैं लाइक बोरिक एसिड, क्लोरोहाइड्रेट, ब्रोमाइड्स, उसमें अपन ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो जिलेटिन्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, अकॉर्डिंग टू उसकी प्रोसेस किस तरीके से की गई है। तो जो टाइप ए है उसे अपन फार्माजेल ए भी कहते हैं, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी कि ए फॉर एसिड, और द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज 7:9 ऑन लो पीएच एक्ट एज अ कैटायनिक एजेंट, यानी कि जो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो होता है 7:9 एंड बेसिकली इट इज एसिड हाइड्रोलाइज। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या हैं ये मैंने आपको फिजिकल फार्मेसी की वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड नॉट लो पॉइंट, लो पीएच एक्ट एज अ कैटायनिक एजेंट, यानी कि लो पीएच पे ही कैटायनिक एजेंट के रूप में काम करते हैं। वहीं अपन टाइप बी की बात करें, बी यानी कि बेस, यानी कि दे आर एल्कलाइन इन नेचर एंड देयर आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट इज 4.725 एंड दे एक्ट एज अ एनायनिक एजेंट, यानी कि ये एनायनिक एजेंट के हिसाब से काम करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ इनकम्पेटिबल विथ मैनी ड्रग्स, यानी कि जो जिलेटिन है ग्लिस्ट्रो जिलेटिन वो काफ़ी सारी ड्रग के साथ इनकम्पेटिबल रहता है लाइक टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड एंड गैलिक एसिड, इनके साथ ही प्रेसिपिटेट कर लेगा। फिर हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, साथ ही साथ अगर वो एनवायरमेंट के फैक्टर में आएगा तो लिक्विफाई हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा। दे लेस यूज ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एक्शन लग्जरटिव, साथ ही साथ
जो ग्लिसरो जिलेटिन है उसकी खुद की भी प्रॉपर्टी है कि ये लग्जरेटिव है, यानी कि बाउल मूवमेंट को बढ़ाता है, एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करता है, तो इसके कारण भी इसका थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। फिर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल, साथ ही साथ बहुत स्टिकी होता है जिलेटिन, तो इसे प्रिपेयर एंड हैंडल करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। द सॉल्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ द जिलेटिन यूज, यानी कि जो जिलेटिन जैसे बॉडी कैविटीज में जाता है और वो डिजोल्व होता है, तो वो डिपेंड करता है कि जिलेटिन कौन सी क्वालिटी का है और कितना कंटेंट या कितनी कंसंट्रेशन ऑफ जिलेटिन आपने यूज कर रखा है। फिर अपन बात करते हैं सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज, इन दिस जिलेटिन रिप्लेस विद आइदर कर्ड सोप और सोडियम सिट्रेट, यानी कि जिलेटिन है उसको अपन रिप्लेस करते हैं या तो कर्ड सोप से या फिर सोडियम सिट्रेट। दे आर हार्ड एंड हेल्प इन इन्विकेशन ऑफ ग्लिसरीन, साथ ही ये हार्ड भी होते हैं और साथ में साथ जो ग्लिसरीन है उसके इवोकेशन में भी हेल्प करते हैं। द हाइग्रोस्कोपिक सो नीड टू रैप इन वैक्स पेपर, साथ ही साथ ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि नमी से लिक्विफाई हो जाएंगे या फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस चक्कर में इनको जो है वैक्स पेपर में लपेट के सबमिट किया जाता है। फिर है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स और कार्बोवैक्सेज और पॉलीग्लाइकोल एंड मैक्रोगोल्स, यानी कि जो सिंथेटिक सिस्टम्स हैं सारे के सारे, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड, सो प्रोलॉन्ग इन एक्शन, यानी कि ऑब्वियस है काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो बॉडी टेम्परेचर पे जाएगा तो भी स्लोली रिलीज करेगा अपने सिस्टम को। देयर फिजिकल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट बिलो 100 लिक्विड एंड अबव वैक्स, यानी कि जो पॉलीथाइल ग्लाइकोल्स है, कार्बोवैक्सेस हैं, पॉलीग्लाइकोल्स हैं, इनके अलग अलग रेट आती हैं, लाइक PEG 400, PEG 4000, इस हिसाब से। तो अगर ये 1000 के नीचे हैं, यानी कि वो जो भी सिंथेटिक वैक्सेस हैं सारी की सारी लिक्विड ही नेचर हैं, और जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ऊपर जाता है तो ये अपने को सॉलिड रूप में मिलेगी। दे आर फिजियोलॉजिकल इनर्ट, यानी कि इनका खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, इनर्ट इन नेचर रहती हैं। दे क्लीन एंड स्मूथ इन अपीरियंस, साथ ही साथ सिंथेटिक में सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड सिस्टम है ये, तो दिखने में भी बहुत ही क्लीन रहते हैं, साथ ही साथ इनकी जो अपीरियंस है वो भी स्मूथ होती है। बट दे आर इनकम्पेटिबल विद टैनिन्स एंड फिनॉल्स, बट जो टैनिन्स एंड फिनॉल्स हैं उनके साथ ये जो ड्रग्स बेसिस हैं वो इनकम्पेटिबल हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।